कुमार है आपका फिजिक्स शिक्षक। आज हम लोग बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन का। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कहता है कि एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन जो है वो नीचे की ओर मूव कर रहा होता है, मूविंग डाउन विद रिटार्डेशन ए। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर वो नीचे की ओर जा रहा है उसका रिटार्डेशन है, मतलब उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऊपर की ओर है ए। ठीक है, तो शुरू में बॉडी रेस्ट पे होता है। शुरू में बॉडी क्या होता है, रेस्ट पे। तो पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जाने में कितना टाइम लगता है हमें इस क्वेश्चन में वो निकालना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, एफ बी डी बना लेते हैं इस ब्लॉक का। सारे फोर्सेस को इंडिकेट कर देते हैं, कौन कौन से फोर्सेज लगेंगे इस पे। नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा एम जी डाउनवर्ड, ठीक है। एक फोर्स लगेगा इस पे, नॉर्मल फोर्स लगेगा ऐसे एन। फिर हम इसमें क्या करते हैं, एक ऑब्जर्वर को हम इस वेज पे बिठा देते हैं और इसके रेस्पेक्ट में हम सारे चीज़ें को ऑब्जर्व करेंगे। तो ऑब्जर्वर चूंकि ऊपर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है वेज के साथ, तो इस पे सूडो फोर्स लगेगा नीचे के डायरेक्शन में कितना, मास ऑफ द ब्लॉक इनटू ए एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। तो यही फोर्सेज लगेंगे इस पे, और कोई फोर्सेज इस पे नहीं लगेगा। तो इसका हम क्या करते हैं, एक एक्स एंड वाई एक्सिस ले लेते हैं। इस इंक्लाइंड के अलॉन्ग हम कौन सा एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस, और इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम कौन सा एक्सिस लेंगे, वाई डायरेक्शन। तो इसमें यहाँ कौन सा फोर्स लग रहा है, एम इंटू ए प्लस जी, ये दोनों फोर्सेस के सम। और इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स। बस यही फोर्सेज है और कोई फोर्सेज नहीं है। क्या करते हैं, इसमें ये एंगल थीटा है तो इस फोर्स का कॉम्पोनेंट में ब्रेक कर देते हैं। तो इधर कॉम्पोनेंट क्या होगा, एम इंटू ए प्लस जी साइन थीटा, और इसका कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा, एम इंटू ए प्लस जी कॉस थीटा। यही फोर्सेज होंगे, कॉम्पोनेंट में ये ब्रेक हो जाएगा। कॉमन सेंस से हम लोग देखें तो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इधर होगा। कितना एक्सेलरेशन होगा, एम इंटू जी, एम इंटू ए प्लस जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय मास, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। ए डैश मान लेते हैं इसको एक्सेलरेशन। तो हमें एक्सेलरेशन निकल गया, कितना हो गया, ए डैश इज इक्वल टू ए प्लस जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय मास। मास तो मास कैंसिल हो जाएगा, तो यही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हमें टाइम निकालना है। तो फॉर्मूला एक होता है काइनेमेटिक्स में, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस का वैल्यू क्या है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, एल, क्योंकि पॉइंट ए से सी तक जाना जिसका लेंथ क्या है, एल। इक्वल टू इनिशियली बॉडी क्या होता है, रेस्ट पे, तो जीरो हो गया। इनिशियली बॉडी क्या होता है, रेस्ट पे, तो जीरो प्लस हाफ। ए का वैल्यू क्या है इसमें, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, जी प्लस ए साइन थीटा टी स्क्वायर। तो हमें टी का वैल्यू निकालना है इसमें, तो टी का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, टी इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा टू एल डिवाइडेड बाई जी प्लस ए साइन थीटा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। अगला कौन से टॉपिक पे आप लेसन देखना चाहते हैं वो हमें बताएं। आपको इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।